28 मई को इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे मनाया जाता है। इस दिन को इंटरनेशनल डे फॉर द एक्शन ऑफ वुमेन हेल्थ के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य महिलाओं को उनकी सेहत से संबंधित जानकारी देना है। महिलाएं अक्सर काम, पढ़ाई और घर की जिम्मेदारी के कारण अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाती। इसके बाद अगर किसी बीमारी की शुरुआत भी होती है तो वह लक्षणों को पहचान नहीं पाती है और समय के साथ साथ वह गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। इसलिए महिलाओं को अपनी सेहत की और खास ख्याल देना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे महिलाओं को होने वाली कॉमन बीमारियां, उनके लक्षण और उनके बचाव के तरीके। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे कॉमन समस्या मानी जाती है। हार्मोनल चेंजेस या अन्य कारणों से ये समस्या हो सकती है। दरअसल जब ब्रेस्ट सेल्स के डीएनए को नुकसान होता है तब ब्रेस्ट कैंसर होता है। BRCA1 और BRCA2 जीन्स का म्यूटेशन ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को बढ़ा देता है और ये पेरेंट से बच्चों में पहुंच सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज लेम्पेकोटोमी के जरिए किया जाता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के ट्यूमर हटाने का प्रोसेस है। वजन को कंट्रोल करके ब्रेस्ट कैंसर को बचाया जा सकता है। फिर आता है हार्ट डिजीजेस। हार्ट संबंधित बीमारियां पुरुष और महिलाओं में काफी कॉमन बीमारी है। हार्ट शरीर का सबसे वाइटल ऑर्गन है। आप जानते हैं हार्ट डिजीज क्यों होती है? डायबिटीज, मोटापा, धूम्रपान, फैमिली हिस्ट्री, डिप्रेशन। इतना ही नहीं, डायबिटीज और किडनी से बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर वाली महिलाओं में हार्ट की बीमारी सबसे ज्यादा होती है। हार्ट डिजीज से बचने के तरीके, तली हुई चीजों और नमक का सेवन कम करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, कम से कम दिन में 3 से 4 बार एक्सरसाइज करें, शराब का सेवन ना करें, धूम्रपान छोड़ें, दवाएं समय पर लें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, साथ ही साथ डायबिटीज कंट्रोल में रखें और बैलेंस डाइट लें। फिर आता है तीसरा, डिप्रेशन। महिलाएं कई बार उदास महसूस करती हैं। यदि ये इमोशंस लंबे समय तक बने रहते हैं तो यही महिला और उसके आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकता है। इस स्थिति में महिला डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बारे में वे खुलकर बात करनी चाहिए। डिप्रेशन के क्या कारण है ये जान लेते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस, फिर आता है पोषण की कमी, दिमाग में केमिकल का असंतुलन, हेल्थ कंडीशन, हार्मोनल इंबैलेंस। अब डिप्रेशन का क्या इलाज है? डिप्रेशन से बचने के लिए खुलकर बात करें और डॉक्टर से कंसर्न करें। डिप्रेशन से पीड़ित लोगों को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, रोजाना एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। फिर आता है मोटापा, यानी कि ओबेसिटी। महिलाओं में मोटापा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के कारण होता है। मोटापे से जूझ रही महिलाओं को डायबिटीज और हार्ट संबंधित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। मोटापा किन कारणों से होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रेस, फिर आता है एक्टिव ना रहना, दवाओं का अधिक खाना, डिप्रेशन, हार्ट की बीमारी, कैंसर। हम जानते हैं कि आप आखिर मोटापे को कैसे कम करें। उसमें आता है रोजाना एक्सरसाइज करें, सही न्यूट्रिशन लें, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बहुत चेंज करें, मिठाई से बचें, तली हुई चीज़ों का परहेज करें, अधिक खाने से बचें। आखिर में आता है डायबिटीज। डायबिटीज एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जो तब होता है जब शरीर पूरी तरीके से इंसुलिन नहीं बना पाता है, तब डायबिटीज का खतरा सबसे ज्यादा होता है। डायबिटीज 2 टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। अब महिलाओं में डायबिटीज के क्या कारण है ये जान लेते हैं। फिर आता है बुढ़ापा, अधिक वजन, जेनेटिक डिसऑर्डर, एक्सरसाइज की कमी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर। अब डायबिटीज से बचने का क्या तरीका है ये भी आखिर में जान लेते हैं। तो उसमें आता है सबसे पहले अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, वजन बढ़ने से बचें, शराब ना पिएं, धूम्रपान छोड़ें, पर्याप्त पानी पिएं, तली हुई चीज़ों से परहेज करें, हेल्दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल बना के रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े हमारे साथ और देखते रहे सनराइज न्यूज़। धन्यवाद।